हेलो मैम परफेक्ट फैमिली, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो फाइनली आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपनी फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट 2 का चैप्टर 2, जो कि है हमारा मेजर इंट्रा एंड एक्स्ट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट्स। तो चैप्टर 1 यानी कि एसिड बेस एंड बफर्स को हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर दिया है। तो आप लोगों ने अगर वो वीडियोज नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में जाके उनको चेकआउट कर सकते हो। बाकी आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और हम लोग अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट्स को समझने से पहले हम लोग को ये जानना ज़रूरी है कि बॉडी फ्लूइड्स क्या होते हैं। तो आप लोगों ने अक्सर सुन रखा होगा कि हमारी बॉडी के अंदर जो है 70% तक का वाटर होता है। तो आप लोगों को क्या लगता है कि जैसे हमारी बॉडी के अंदर जो वाटर प्रेजेंट है वो उसी तरह का होता है जिस तरह का पानी हम लोग पीते हैं? देखो, जो पानी हम लोग पीते हैं वो किस तरह होता है, एकदम क्लियर होता है, कलरलेस होता है, ठीक है। लेकिन हमारी बॉडी के अंदर जो वाटर प्रेजेंट है वो उस तरह नहीं होता है। यानी हमारी बॉडी के अंदर जो भी वाटर है उसमें बहुत सारी चीज़ें मिक्स रहती हैं, और वही बहुत सारी चीज़ें जो हमारी बॉडी के वाटर में मिक्स रहती हैं उन्हीं को सिंपली हम लोग जो है इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं। और ये जब हमारी वाटर के साथ हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स मिक्स हो जाते हैं तो इसको हम लोग जो है फ्लूइड के नाम से जानते हैं, ठीक है। यानी हमारी बॉडी के अंदर वाटर का जो पोर्शन है उसको बेसिकली हम लोग जो है बॉडी फ्लूइड्स के नाम से जानते हैं। तो अब यहाँ पे जो हमारा बॉडी फ्लूइड है उसको हम लोग जो है दो कंपार्टमेंट या फिर दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें पहला हो गया हमारा इंट्रा सेलुलर फ्लूइड और दूसरा हो गया हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। तो इंट्रा सेलुलर फ्लूइड का मतलब क्या हुआ कि जो फ्लूइड हमारी सेल के अंदर प्रेजेंट है। तो हम लोगों ने अपने सेल वाले टॉपिक में देखा था कि हमारा सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है। सेल के अंदर बेसिकली हमारा साइटोप्लाज्म होता है, यानी कि जो फ्लूइड हमारे साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट है वो हो गया हमारा इंट्रा सेलुलर फ्लूइड यानी सेल के अंदर, और जो हमारा सेल के बाहर, ठीक है, यानी सेल के बाहर जितना भी फ्लूइड पोर्शन है वो हो गया हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। अब जो हमारा इंट्रा सेलुलर फ्लूइड है वो बेसिकली हमारा जो है 70 में से लगभग आप कह सकते हो कि 50% हमारा इंट्रा सेलुलर होता है और बचा 20% हमारा आप लोग कह सकते हो कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है। अब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को भी हम लोग जो है दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें पहला हो गया हमारा इंटरस्टिशियल फ्लूइड और दूसरा हो गया प्लाज्मा। तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड क्या होता है कि हम लोगों ने देखा था कि जो हमारा टिश्यू होता है, ठीक है, तो इसमें हमारी बहुत सारी सेल्स जो है मतलब प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। तो देखो, यहाँ पे दो सेल के बीच में जो हमारा जैसे फ्लूइड प्रेजेंट है, ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड। यानी इंटरस्टिशियल फ्लूइड क्या हुआ, दो सेल के बीच में जो भी यहाँ पे फ्लूइड प्रेजेंट है। और प्लाज्मा यहाँ पे क्या हो गया, प्लाज्मा हमारे ब्लड का एक पार्ट होता है, तो इसको हम लोग जो है अपने HAP में ब्लड वाले चैप्टर में अच्छे से देखेंगे। तो जो फ्लूइड हमारा प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है वो हो गया हमारा प्लाज्मा फ्लूइड। तो प्लाज्मा में बेसिकली हमारा 5% होता है और इंटरस्टिशियल में हमारा लगभग आप कह सकते हो कि 15% होता है इस 20% में से, ठीक है। तो आप लोग इसको यहाँ पे सिंपली इस फिगर से समझ सकते हो कि जैसे हमारा जो इंट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, और फिर हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर, और इसमें हमारा जो इंटरस्टिशियल है वो यहाँ पे सबसे ज़्यादा है और प्लाज्मा जो है उससे कम है, ठीक है। यानी कि इंटरस्टिशियल और प्लाज्मा जो है कंबाइन करके हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड बनाते हैं। अब यहाँ पे देखो इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट्स हमारे ऐसे सब्सटेंस होते हैं, ठीक है, कि जब उनको हम अपनी बॉडी फ्लूइड्स में डिजॉल्व करते हैं, ठीक है, या फिर एक्वा सॉल्यूशन। तो बॉडी फ्लूइड क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर जो भी फ्लूइड है वो वाटर से ही तो बना है, और वाटर हमारा क्या होता है, एक्वा सॉल्यूशन होता है। तो यानी कि सिंपली इलेक्ट्रोलाइट्स को जब हम लोग अपनी बॉडी फ्लूइड्स में डिजॉल्व करते हैं तो वो यहाँ पे अपने आयन्स में ब्रेक हो जाते हैं। यानी ऐसा सब्सटेंस जिसको हम लोग अपनी बॉडी फ्लूइड में डिजॉल्व करें और वो यहाँ पे आयन्स में ब्रेक हो जाए वो होता है हमारा इलेक्ट्रोलाइट्स। यानी सिंपली आप लोग इसको ऐसे समझो कि जैसे हमारा जो NaCl है, ठीक है, NaCl, तो अगर हम लोगों ने इसको अपनी बॉडी फ्लूइड में डिजॉल्व किया और ये यहाँ पे आयन्स में ब्रेक हो गया, यानी Na+ और Cl-, देखो जहाँ पे हमारा चार्ज होता है वही हमारे आयन्स होते हैं, जहाँ पे प्लस चार्ज होता है वो होता है कैटायन, और जहाँ पे माइनस होता है वो होता है हमारा एनायन। तो अगर कोई सब्सटेंस हमारा बॉडी फ्लूइड में डिजॉल्व करने पर कैटायन और एनायन यानी कि आयन्स में ब्रेक हो जाए तो वो होता है हमारा इलेक्ट्रोलाइट्स। अब इलेक्ट्रोलाइट्स को हम लोग जो है फर्दर जो है दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें पहला हो गया हमारा इंट्रासेलुलर इलेक्ट्रोलाइट्स, यानी सिंपली ये इलेक्ट्रोलाइट्स हमारी बॉडी के इंट्रासेलुलर फ्लूइड में यानी सेल के अंदर प्रेजेंट होंगे, और एक्स्ट्रासेलुलर इलेक्ट्रोलाइट्स यानी कि ये हमारी सेल के बाहर प्रेजेंट होंगे, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, आई होप कि आप लोग जो है समझ गए होंगे। तो अब हम लोग आते हैं अपने आज के मेन टॉपिक पे, जो कि हमारा मेजर फिजियोलॉजिकल आयन्स।
अब आप लोग यहाँ पे एक चीज़ बहुत ही ध्यान से सुनना। देखो हम लोगों ने क्या देखा कि इलेक्ट्रोलाइट्स हमारे ऐसे सब्सटेंस होते हैं जब उनको हम लोग अपनी बॉडी फ्लूइड में डिजॉल्व करते हैं तो वो यहाँ पे आयन्स में ब्रेक हो जाते हैं। यानी सिंपली जैसे हम लोगों ने देखा था कि NaCl हमारा बॉडी फ्लूइड में डिजॉल्व करने पर Na+ और Cl- में ब्रेक हो गया। अब आप लोग मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट क्या है? इलेक्ट्रोलाइट हमारा NaCl है या फिर Na+ और Cl- है? इलेक्ट्रोलाइट हमारा NaCl है क्योंकि यही तो हमारा जो है आयन्स में ब्रेक हो रहा है। ये तो हमारे आयन्स हैं, ये हमारा इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, ठीक है? इलेक्ट्रोलाइट हमारा NaCl है। तो यहाँ पे चूंकि ये आयन्स हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं तो इसको हम लोग यहाँ पे फिजियोलॉजिकल आयन्स बोलते हैं, ठीक है? यानी कि सिंपली जो हम लोगों ने देखा अपने इंट्रा सेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट्स को, तो वो सिंपली हमारे आयन्स होते हैं, ठीक है? क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट्स यहाँ पे हमारी बॉडी के अंदर जाके अपने आयन्स में ब्रेक हो जाते हैं, तो इसीलिए हम लोग जो है इसको मेजर फिजियोलॉजिकल आयन्स के अंदर स्टडी करते हैं। यानी हमारी बॉडी के अंदर कौन कौन से मेजर फिजियोलॉजिकल आयन्स प्रेजेंट होते हैं, तो हमारे जैसे हम लोगों ने देखा कि आयन्स हमारे बेसिकली दो टाइप के होते हैं, जिसमें पहला हो गया हमारा कैटायन और दूसरा हो गया हमारा एनायन, ठीक है? तो कैटायन में हमारे जो है बेसिकली चार आयन्स हैं, जिसमें सोडियम आयन हो गया, पोटेशियम आयन हो गया, कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन, और एनायन में भी हमारा क्लोराइड हो गया, बाइकार्बोनेट, फॉस्फेट और सल्फेट, ठीक है? तो इन सबको हम लोग जो है एक एक करके थोड़ा देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करें यहाँ पे सोडियम की, तो ये हमारी बॉडी के एक्स्ट्रा सेलुलर रीजन में प्रेजेंट होता है, यानी हमारी बॉडी के एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड में हमें देखने को मिलता है, और ये यहाँ पे सबसे ज़्यादा अमाउंट में होता है। यानी कि जो हमारी बॉडी का एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड है उसमें सबसे ज़्यादा अमाउंट में हमारा सोडियम प्रेजेंट होता है। अब ये यहाँ पे इसके फंक्शंस की बात करें तो ये यहाँ पे हमारे नर्व इम्पल्स को जो है ट्रांसमिट करने का काम करता है। अब इसको हम लोग जो है अपनी बॉडी के नर्वस सिस्टम में देखेंगे तो आप लोग को ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। और उसके बाद ये हमारा क्लोराइड और बाइकार्बोनेट के साथ मिलके हमारे एसिड बेस बैलेंस को यहाँ पे रेगुलेट करने का काम करता है। तो एसिड बेस बैलेंस हमारा आने वाला टॉपिक है, तो वहाँ पे आप लोग को समझ में आ जाएगा, ठीक है? अब यहाँ पे बात करें तो ये हमारी बॉडी के अंदर जो है एक्सेसिव फ्लूड लॉस को भी यहाँ पे प्रोटेक्ट करता है। यानी बॉडी के अंदर जब यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लूड लॉस हो जाता है कभी कभी, जैसे हमारा कभी कभी जब बहुत ज़्यादा ब्लड वगैरह हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है, तो वहाँ पे उसको जो है मेंटेन करने का और कंट्रोल करने का काम भी हमारा सोडियम करता है। अब यहाँ पे देखो, जब हमारी बॉडी के अंदर बहुत ही लो सोडियम लेवल हो जाता है, यानी सोडियम जो है बहुत ही लो हो जाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं हाइपोनैट्रीमिया। और जब हमारी बॉडी में सोडियम का लेवल बहुत ही बढ़ जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं हाइपरनैट्रीमिया। अब देखो ये दोनों ही चीज़ें नहीं अच्छी हैं। देखो एक मतलब रेगुलर लेवल पे होना चाहिए, ठीक है? बहुत कम हो गया तो भी खतरनाक है और बहुत ज़्यादा हो गया तो भी हार्मफुल है। अब यहाँ पे देखो हाइपो हाइपर, इसको हम लोगों ने कहाँ देखा था? आप लोगों को कुछ याद आ रहा है? हम लोगों ने इसको देखा था अपने आइजोटॉनिक सॉल्यूशंस में। तो वहाँ पे क्या होता था, हाइपो मतलब क्या, कम, हाइपर मतलब ज़्यादा, ठीक है? तो हाइपोनैट्रीमिया मतलब सोडियम लेवल कम हो गया और हाइपरनैट्रीमिया मतलब सोडियम लेवल यहाँ पे बढ़ गया। और उसी तरीके से बात करें हम लोग यहाँ पे पोटेशियम की, तो ये हमारी बॉडी के इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में प्रेजेंट होता है और यहाँ पे सबसे ज़्यादा अमाउंट में होता है। देखो सोडियम में हम लोगों ने क्या देखा, सोडियम हमारी बॉडी के एक्स्ट्रा सेलुलर रीजन में सबसे ज़्यादा अमाउंट में होता है और पोटेशियम हमारी बॉडी के इंट्रा सेलुलर फ्लूड में सबसे ज़्यादा अमाउंट में होता है। अभी हम लोग जो बाकी आयन्स देखेंगे वो सारे भी हमारे इंट्रा और एक्स्ट्रा सेलुलर रीजन में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा अमाउंट में हमारा सोडियम और पोटेशियम होता है। सोडियम हमारा सेल के बाहर और पोटेशियम हमारा सेल के अंदर सबसे ज़्यादा अमाउंट में होता है। अब यहाँ पे जो हमारा पोटेशियम है ये यहाँ पे मेजर रोल प्ले करता है इन द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स, स्पेशली कार्डियक मसल्स। यानी कि जो हमारी हार्ट की मसल्स होती हैं उसके कॉन्ट्रैक्शन में हमारा ये मेजर रोल प्ले करता है, ठीक है? अब उसके बाद हमारी जैसे हमारे ये सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है, सबसे ज़्यादा अमाउंट में, तो सेल के अंदर जितनी भी बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती है उसको परफॉर्म करने का काम भी हमारा पोटेशियम करता है। और उसके बाद ये नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिट करने का काम भी करता है। अब यहाँ पे जैसे हम लोगों ने देखा कि लो सोडियम लेवल क्या था, हाइपोनैट्रीमिया, यहाँ पे उसी तरीके से लो लेवल ऑफ पोटेशियम क्या होता है, हाइपोकैलीमिया, और हाई लेवल ऑफ पोटेशियम क्या हो जाता है, हाइपरकैलीमिया, ठीक है? और बात करें हम लोग यहाँ पे कैल्शियम की, तो यार आप लोगों ने तो अक्सर सुन ही रखा होगा कि हमारी जो भी बोन्स होती हैं उसमें क्या होता है, कैल्शियम प्रेजेंट होता है। तो हमारी बोन्स में लगभग 98% यहाँ पे कैल्शियम प्रेजेंट होता है। यानी हमारी बॉडी के अंदर जितना कैल्शियम है उसका 98% हमारी बोन्स के अंदर होता है, और उसके बाद जो बचा 2% है वो हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में प्रेजेंट होता है। अब ये हमारी ब्लड की क्लॉटिंग में जो है एक बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है।
अब ब्लड क्लॉटिंग क्या होती है, जब हमारा बहुत ज़्यादा ब्लड बहने लगता है, ठीक है, तो ब्लड वहाँ पे एक क्लॉट बना देता है। अब इसको हम लोग जो है अपने HAP के ब्लड वाले चैप्टर में बहुत ही अच्छे से देखेंगे। बाकी हिंदी में इसको जो है ब्लड का थक्का जमना कहते हैं, ठीक है। तो मतलब आप लोगों ने अगर सुन रखा हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं सुन रखा है तो कोई बात नहीं यार, हम लोग वहाँ पर देखेंगे। अब यहाँ पे देखो, इट हेल्प्स इन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेरियस स्मूथ मसल्स, यानी हमारी बॉडी के अंदर जो स्मूथ मसल्स होती हैं उसके कॉन्ट्रैक्शन में भी ये हमारा हेल्प करता है। अब यहाँ पे अगर हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम का लो लेवल हो गया तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोकैल्शीमिया, और अगर ज़्यादा हो गया तो हाइपर कैल्शीमिया। देखो हाइपो हाइपर आप लोग याद कर लो, बाकी उसके बाद कैल्शियम है तो कैल्शीमिया हो गया, पोटेशियम है तो कैलीमिया हो गया, और हमारा सोडियम है तो क्या हो गया, नेट्रीमिया, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ पे आप लोग याद रख सकते हो। और वहीं बात करें हम लोग यहाँ पे मैग्नीशियम की, तो इसको यहाँ पे सेकेंड मोस्ट कॉमन इंट्रासेलुलर इलेक्ट्रोलाइट कंसिडर किया जाता है। देखो यानी कि हमारी बॉडी का जो इंट्रासेलुलर यानी सेल के अंदर जो भी फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है पोटेशियम, हम लोगों ने देखा था। और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है हमारा मैग्नीशियम, यानी पोटेशियम के बाद सबसे ज़्यादा अमाउंट में हमारा मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है सेल के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे ये हमारी बोन एंड टीथ के फॉर्मेशन में जो है हेल्प करता है, और उसके बाद मायोकार्डियल फंक्शन में यहाँ पे एक बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है। अब मायोकार्डियल फंक्शन को हम लोग जो है अपने HAP के लास्ट वाले यूनिट में, जो कि हमारा हार्ट है, वहाँ पे हम लोग देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हमारी बॉडी के अंदर मैग्नीशियम का लो लेवल हो गया तो उसको हम लोग बोलते हैं हाइपोमैग्नीशियमिया, और अगर हाई हो गया यानी मैग्नीशियम जो है एक लेवल से ज़्यादा हो गया तो वो हो गया हमारा हाइपर मैग्नीशियमिया। और उसी तरीके से हम लोग बात करें यहाँ पे क्लोराइड की, तो देखो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, कैटायंस को, यानी कि जो पॉजिटिव चार्ज कंटेनिंग आयंस होते हैं। अब हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे एनायंस की, यानी बॉडी के अंदर जो मेजर फिजियोलॉजिकल एनायंस है। तो यहाँ पे सबसे पहले है क्लोराइड, ठीक है, यानी कि Cl-। तो ये हमारी बॉडी के एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड में सबसे ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है। अच्छा यहाँ पे आप लोग अब एक चीज़ बहुत ही ध्यान से सुनना, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, मेजर एक्स्ट्रा एंड इंट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट्स। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, मेजर, देखो ध्यान से सुनना वर्ड को, मेजर यानी ये नहीं है कि ये सिर्फ एक्स्ट्रा सेलुलर या फिर इंट्रा सेलुलर में है। अब देखो आप लोग कंफ्यूज मत हो, इस चीज़ को बहुत ही सिंपली समझो कि जैसे हम लोगों ने जो भी देखा, हमारा सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड, ये सारे जितने भी आयंस हैं ये मेजर अमाउंट में जो है हमारे किस जगह प्रेजेंट होते हैं, हम लोग उसको पढ़ रहे हैं। यानी आप लोग ऐसे समझो, मेजर का मतलब क्या होता है, सबसे ज़्यादा, यानी सबसे ज़्यादा अमाउंट में ये हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये हमारे इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में बिल्कुल होता ही नहीं है। देखो होता हमारा इंट्रा सेलुलर में भी है, यानी कि हम लोग जितने भी आयंस पढ़ रहे हैं, ठीक है, अभी तक हम लोगों ने जितना पढ़ा और अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये सब के सब हमारे इंट्रा सेलुलर में भी होते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर में भी होते हैं, लेकिन कहाँ सबसे ज़्यादा होते हैं हम लोग वो पढ़ रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा होता है ये एक्स्ट्रा सेलुलर रीजन में। उसी तरीके से हम लोगों ने अभी जितना भी देखा तो वो सबसे ज़्यादा हम लोग पढ़ रहे हैं, होता दोनों जगह है पर सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो ये सबसे ज़्यादा होता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में। होता ये इंट्रा सेलुलर में भी है लेकिन वहाँ पे बहुत कम होता है, यानी बहुत ज़्यादा कम, और एक्स्ट्रा सेलुलर में क्या है, ये ज़्यादा अमाउंट में होता है, ठीक है। मतलब उसी तरीके से हम लोगों ने जितना देखा वो सारे भी ऐसे ही थे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग मेजर पढ़ रहे हैं, यहाँ पे हम लोग यही नहीं पढ़ रहे कि सिर्फ एक्स्ट्रा सेलुलर, यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं मेजर, मेजर इंट्रा एंड एक्स्ट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। अब यहाँ पे ये हमारी बॉडी के एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करने में हेल्प करता है, और उसके बाद हमारी बॉडी के ऑस्मोटिक प्रेशर को भी यहाँ पे मेंटेन करता है। और यहाँ पे हमारे क्लोराइड का जो मेन सोर्स है वो है हमारा कॉमन सॉल्ट, जिसको हम लोग यहाँ पे कुकिंग में यूज़ करते हैं, यानी खाने में हम लोग जो भी नमक खाते हैं वही हमारे क्लोराइड का मेन सोर्स होता है। क्योंकि नमक क्या होता है, NaCl, और NaCl जब ब्रेक होता है तो क्या मिलता है हमें, Na+ और Cl-, और Cl- क्या है हमारा, क्लोराइड, ठीक है। अब यहाँ पे लो लेवल ऑफ क्लोराइड को हम लोग जो है हाइपोक्लोरेमिया बोलते हैं, और हाई लेवल ऑफ क्लोराइड को हम लोग जो है हाइपरक्लोरेमिया बोलते हैं, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। और उसी तरीके से बात करें हम लोग यहाँ पे फॉस्फेट की, तो ये मेनली हमारा इंट्रासेलुलर फ्लूइड में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और उसके बाद ये हमारी बॉडी के एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करने में भी हेल्प करता है। और जो हमारा फॉस्फेट का मेन सोर्स होता है वो होता है हमारा मिल्क या फिर नट्स। अब अगर हमारी बॉडी में फॉस्फेट का लो लेवल है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोफॉस्फेटीमिया, और अगर हाई लेवल है तो हाइपरफॉस्फेटीमिया, ठीक है, सिंपल। और बात करें हम लोग यहाँ पे बाइकार्बोनेट की, तो ये हमारी बॉडी के एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में प्रेजेंट होता है, और जो हमारा बाइकार्बोनेट होता है वो यहाँ पे कार्बनिक एसिड के साथ मिलके हमारी बॉडी का एक बफर सिस्टम बनाता है, ठीक है, जो हमारे एसिड बेस बैलेंस में हेल्प करता है, और ये हमारी बॉडी का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बफर सिस्टम होता है।
अब यहाँ पे देखो, आने वाले लेक्चर्स में हम लोग देखेंगे फिजियोलॉजिकल एसिड बेस बैलेंस, तो वहाँ पे आप लोग को ये सारी चीज़ें बहुत ही क्लियर हो जाएंगी। और उसके बाद जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, ठीक है, यानी हमारी बॉडी के नर्वस सिस्टम का एक पार्ट होता है CNS, वहाँ पे जो भी टिश्यू होते हैं उनको प्रोटेक्ट करने का काम भी हमारा बाइकार्बोनेट करता है। और फाइनली बात करें हम लोग यहाँ पे सल्फेट की, तो देखो सल्फेट हमारा बहुत ही कम अमाउंट में होता है, वो भी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में, ठीक है। और उसके बाद ये हमारी बॉडी के डिटॉक्सिफिकेशन मैकेनिज्म में एक वाइटल रोल प्ले करता है। यानी आप लोगों ने अक्सर सुन रखा होगा कि डिटॉक्स करना यानी बॉडी को जो है क्लीन करना, तो बॉडी के अंदर जो है क्लीनिंग करने में ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और उसके बाद बॉडी के अंदर बहुत सारी बायोलॉजिकल प्रोसेस में भी ये जो है थोड़ी बहुत हेल्प कर देता है, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा, सबसे पहले हम लोगों ने देखा अपने बॉडी फ्लूइड्स को, ठीक है। फिर बॉडी फ्लूइड्स हमारे कितने टाइप के थे, बॉडी फ्लूइड्स थे हमारे दो टाइप के, पहला था हमारा इंट्रा सेलुलर, ठीक है, और दूसरा क्या था हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर। तो जो इलेक्ट्रोलाइट हमारी इंट्रा सेलुलर में प्रेजेंट होते हैं वो क्या हो गया, इंट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट, और जो हमारी बॉडी के एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में प्रेजेंट होते हैं वो हो गया हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। अब इलेक्ट्रोलाइट्स यहाँ पे क्या होता है, ब्रेक हो जाते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स किस में ब्रेक हो जाते हैं, आयन्स में, और चूंकि ये आयन्स हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं फिजियोलॉजिकल आयन। और हमारी बॉडी के अंदर मेजरली हम लोगों ने 8 फिजियोलॉजिकल आयन्स को स्टडी किया, जिसमें 4 हमारे क्या होते हैं, कैटायन, ठीक है, यानी पॉजिटिव चार्ज कंटेनिंग, और 4 होते हैं हमारे एनायन यानी कि निगेटिव चार्ज कंटेनिंग, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग को आज की वीडियो समझ में आ गई होगी, बाकी अगर कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट करके बताना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।